दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। कहा जाता है, बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहां से होए। देश की मीडिया के विशेषकर कुछ चिन्हित लोगों ने वास्तव में पर्स कैसे रखते हैं, आम कैसे खाते हैं जैसे सवाल करके वास्तव में मीडिया जगत में बबूल ही बोया था। संभवतः देश के इतिहास में पहली बार विपक्षी गठबंधन ने कुछ चिन्हित पत्रकारों का बाइकॉट करने का ऐलान कर दिया है। यद्यपि इस बाइकॉट से बहुत कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक संकेत जरूर चला जाता है, एक संदेश जरूर चला जाता है कि देश का मीडिया कहीं भ्रमित हो रहा है। देश के विपक्षी गठबंधन ने 11 लोगों की सूची जारी करके पूरे देश में बल्कि दुनिया में यह चर्चा खड़ी कर दी है कि भारत का मीडिया और मीडिया घराना वास्तव में किसी विशेषकर विशेष विचारधारा विशेष राजनीतिक दल की गोद में जा बैठा है। यद्यपि इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि अब मीडिया को चिंतन करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं तो क्या विपक्षी गठबंधन जो 11 नामों की सूची जारी करके जिन्हें बाइकॉट कर रहा है, क्या वास्तव में वे पावरफुल लोग हैं? वास्तव में वे तनखैया हैं, वेतन भोगी हैं? तो वेतन भोगियों का बाइकॉट करने से कोई सफलता हासिल नहीं होगी जब तक वे उद्योगपति घराने जो समूची मीडिया को नियंत्रित कर रहे हैं उन पर कोई ना कोई आँच ना आ जाए। देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या, लेकिन यह एक मीडिया जगत के लिए अच्छी खबर नहीं है, जबकि उन्हें संवैधानिक अधिकार इतना ही प्राप्त है कि उन्हें केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और चौथा खंभा तो वास्तव में पत्रकारों को एक लॉलीपॉप से कम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।